Now, Sri Dilip Kumar Tirkey. Now, since you sang a good song, come here. राष्ट्रपति के अभिभाषण सरकार की पूरी साल की नीतियों और कार्यक्रम का एक आईना होता है। इस लिहाज से इस अभिभाषण में कोई महत्वपूर्ण और जरूरी मुद्दों के लेके इस बार ध्यान नहीं दिया गया है। सबसे पहले तो सरकार के जिस सबके साथ सबका विकास और फेडरिज्म की बात करती है, सरकार की नीतियों में उसी के अभाव है। महोदय, पिछले कुछ सालों में के दौरान ओडिशा कई प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के शिकार रहा है, मगर राज्य सरकार को केंद्र से जो सहायता मिलनी चाहिए वो अब तक नहीं मिली है। ओडिशा अभी फैलिन साइक्लोन से हुए नुकसान से उभर ही रहा था कि इस साल राज्य में बड़े भयंकर सूखे ने हालत और खराब कर दिया, लेकिन इस नुकसान से हुई भरपाई के लिए ओडिशा को केंद्र के उचित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। मैं चाहूँगा कि चर्चा पर जवाब के दौरान सरकार से इस बारे में भी उत्तर मिले। इसी तरह एनडीए सरकार क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने की बात करती है, मगर उड़ीसा आज भी रेलवे के मैप में पिछड़ा हुआ है। हालांकि रेलवे बजट में इस बार उड़ीसा को कुछ मांग पूरी हुई है, लेकिन अभी भी बहुत वाजिब मांग अधूरी रही है। सरकार को ये भी देखना चाहिए लेफ्ट विंग उग्रवाद और मामला है, जिसमें बार बार कहने के बाद भी राज्य को केंद्र को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहाँ पर बुनियादी ढांचे के विकास की भी बहुत जरूरी है, मगर केंद्र का उसमें हमें उचित सहयोग चाहिए। महोदय, इतना ही नहीं बल्कि उड़ीसा की कई और उचित और पुरानी मांगे हैं लगातार उपेक्षा की जा रही है। जैसे हमारी एक मांग है ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर उड़ीसा में बालासोर तक बढ़ाया जाए। नेशनल हाईवे पर संख्या 326 पर विजयवाड़ा रांची कॉरिडोर को अपग्रेडेशन की मांग काफ़ी समय से लंबित है। इसके पूरा ना होने से उस इलाके के ट्राइबल आबादी को काफ़ी परेशान हो रहा है। पोर्ट कनेक्टिविटी एक ऐसा क्षेत्र है जिससे देश को तटीय राज्य का बहुत फायदा हो सकता है, मगर राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में इसका भी कहीं जिक्र नहीं हुआ है। उड़ीसा के कटक शहर हेरिटेज सिटी होने की सभी मानकों को पूरा करता है, इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि कटक को हेरिटेज सिटी घोषित करते हुए वहाँ एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की स्थापना मंजूरी दी जाए। महोदय, आंध्र प्रदेश में पोलावरम प्रोजेक्ट ओडिशा का और कुछ अन्य राज्यों के लिए गंभीर समस्या बना हुआ है, लेकिन हमारे आपत्तियों के दरकिनार करते हुए इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट से लाखों की संख्या में आदिवासी विस्थापित होंगे और अभी तक उनके पुनर्वास का कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया। इतना ही नहीं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण को भी खतरा हो सकता है। इतने बड़े मुद्दे का राष्ट्रपति अभिभाषण में जिक्र नहीं होना बहुत निराशाजनक है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की वर्षों से मांग लंबित पड़ी हुई है, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तमाम आंकड़ों और स्टडी से ये बात साफ हो चुकी है कि ओडिशा विशेष राज्य के दर्ज का सबसे ज़्यादा हकदार है, लेकिन सरकार इस मांग की ओर से भी आंखें मूंदे हुए हैं। अब मैं कमजोर वर्गों खासकर ST और SC के प्रति जो सरकारी तंत्र के भेदभाव है उसकी बात करता हूँ। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि केंद्र सरकार की नौकरियों में जो हजारों की संख्या में अरिक्षित पदों को बैकलॉग है वह कब भरा जाएगा। देश के ट्राइबल समुदाय में वैसे भी नौकरी का संकट बहुत ज़्यादा है, और उसमें भी अगर वैकेंसी भरी ना जाए तो क्या हालत होगी। मगर दुख की बात है कि इस ओर सरकार की कोई ध्यान नहीं है। आज ट्राइबल समुदाय कई प्रकार समस्याओं से ग्रस्त हैं,
वे समस्या के वे स्वास्थ्य के मामले में शिक्षा के मामले में नौकरी के मामले में लगातार दूसरे वर्गों से बिछड़ते चले जा रहे हैं। ट्राइबल्स के शोषण और उन पर अत्याचार के मामले में लगातार बढ़ रहे हैं। बिजनेस में वो कहीं नहीं है, उन्हें लोग लोन मिलने में भी बहुत कठिनाई होती है। जंगल उससे पहले ही छीना जा चुका है, अब उनकी संस्कृति पर भी खतरा है। मैं उम्मीद करता हूं कि चर्चे के जवाब के दौरान सरकार इन बिंदु पर अपना रुख साफ करेगी। महोदय, देश का माइनॉरिटी समुदाय अभी भी असुरक्षा के माहौल में जी रहा है। सरकार को ये बताना चाहिए कि माइनॉरिटी की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते इस अभिभाषण से मुझे सबसे बड़ी शिकायत ये है कि इस साल रियो में ओलंपिक होने वाला है, लेकिन सरकार की खेल नीतियों और ओलंपिक की तैयारियों के बारे में कहीं कोई बात नहीं की गई है। दुनिया के सभी देश ओलंपिक की तैयारी में जी जान से जुटे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई हलचल दिखाई नहीं दे रहा है। महोदय, आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इन्हीं बातों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, कल हमारे एमपी जी ने एमजे अकबर जी ने सावित्री नायक केंद्र में रहने वाले उनके बारे में कहा था कि उनके हस्बैंड के डेथ के बाद उन्हें पैसा की काफ़ी असुविधा हुई थी, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि हमारे ओडिशा गवर्नमेंट क्रियाक्रम के लिए हरिश्चंद्र योजना के 2000 रुपीस दे रहे हैं। इसके साथ साथ सावित्री नायक के परिवार को हमारे ओडिशा गवर्नमेंट हमारे मुख्यमंत्री के निर्देश के हिसाब से लगभग 30,000 रुपीस सहायता के लिए दिए हुए हैं। उसके साथ साथ उन दोनों बच्चों को गवर्नमेंट पढ़ाने की जिम्मेदारी ली हुई है, और इसके साथ साथ बीजू पक्का घर के तहत उनको एक घर भी दिया जा रहा है। इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इन बिंदुओं पर अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करें और संसद को इस बारे में सही जानकारी देगी। धन्यवाद। धन्यवाद।